सबसे पहले तो यहाँ पे प्रेस क्लब से जितने भी लोग आए हुए हैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इतना आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए हो। और सेकेंडली, हम लद्दाख के आम लोगों को जुले नमस्ते बोलना चाहता हूँ। हम टेम्पो यूनियन आज यही डिसाइड कर रहे हैं कि आज हम यही बोलना चाहते हैं कि कोई भी ट्रैवल एजेंट, नॉन नॉन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट को हम गाड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अदर स्टेट से यहाँ पे कोई भी टेम्पोस यहाँ पे आए हुए हैं और वो रेट पे हमारे जो एक जो डिस्क्राइब्ड है कि हमारे पास एक रेड लिस्ट है उसके ऊपर कोई भी जा रहे हैं, रेट के ऊपर आप रेट ले रहे हैं, तो उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको बिल्कुल हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और हम उसको RTO साहब को भी उसका कंप्लेन देने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे आप लोगों को सबको पता है कि पिछले 3-4 साल से हमारे टेम्पो यूनियन जो है एक नंबर सिस्टम पे चल रहे हैं, जो जो कि हम पेमेंट भी यहाँ पे लेके दे रहे हैं और बुकिंग भी यहीं पे सीधा आता है, ऑफिस में आता है और यहाँ से ही गाड़ी डिटेल होके जाता है। और पिछले हम यही 15-20 दिन पहले से यही चल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट का यहाँ पे आने की वजह से हमने थोड़ा सा अपने गाड़ियों को अपने मन मर्जी पे, यानी मतलब अपने पसंद के जो टूर पे जाने के लिए अलाउ किया था 20 दिन पहले, और उसमें हमें थोड़ा बहुत उसमें हमें कमी लगा कि हमारे सर्विस में कमी लगा, जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत शायद प्रॉब्लम फेस हो रहा होंगे। तो इस वजह से हम कल आने वाला जून के 10 तारीख से हम उसको रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं नंबर सिस्टम को, और जो भी हमारे अंदर जो 290 के करीब हमारे पास गाड़ियां हैं और उसको हम अपने ही यहां से बुकिंग भी ऑफिस में लिया जाएगा और पेमेंट भी ऑफिस में ही लिया जाएगा, तो उनको अपने मन मर्जी पे नहीं जाने दिया जाएगा। और सबसे लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड कोई भी यहाँ पे इलीगली जो यहाँ पे टूर ऑपरेट कर रहा है उसको हम वही बोलना चाहते हैं कि आप यही 10 दिन में, आने वाला 10 दिन में आप रजिस्टर्ड कीजिए, प्रॉपर आप वे से रजिस्टर्ड कीजिए, क्योंकि हम आने वाला जून के 10 तारीख से हम रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट को ही गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, दूसरे किसी को हम गाड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे। थैंक यू। और आजकल जो हमें देखने को सुनने को आ रहा है कि काफ़ी बाहर की गाड़ी भी एंगेज हो रहा है, हम लोग तो ये सर्विस कंटिन्यू रहेगा जो बाहर की टीम को ट्रेवल करेंगे। हाँ, जब तक हमारे यहाँ पे जो 290 के करीब जो गाड़ी है वो बिल्कुल बिजी होगा या जो हमारे पास गाड़ी नहीं अवेलेबल होगा तो हम उनको यहाँ से उनको परमिशन देंगे। अभी आपने बोला कि एक्स्ट्रा रेट लेने का, वो ये कहाँ के लोकल टेम्पो ट्रैवलर एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं कि बाहर के? देखिए, ये ऐसा है कि जाहिर सी बात है जहाँ पे इतना सारा डिमांड होता है तो थोड़ा बहुत रेट में तो मतलब हाई होता है, लेकिन हमारा पिछले, आपको पता है कि पिछले 30-40 साल से एक ही रेट होता है जो टेम्पो यूनियन का जो रेट आता है और उसी रेट पे हमने चलना होता है। कहीं भी कभी भी कोई भी मतलब ज़्यादा डिमांड होता है तब भी हम इस रेट के ऊपर कभी नहीं जाता है, वो ये हमारा रूल है और हमारा उसूल है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए, गलती दोनों तरफ से होता है कि एक ट्रैवल एजेंट भी शायद गाड़ी वाले को ऑफर कर रहा होता है या एक गाड़ी वाला भी उसको डिमांड कर रहा होता है कि रेट के ऊपर, तो उसमें हम यही बोलना चाहते हैं कि आगे से अभी अभी कोई भी, या हमने ये सुना भी है कि कोई कोई गाड़ी जो अदर स्टेट्स के गाड़ी, जैसे हमारा रेट 30,000 होगा तो वो 35 या 40,000 वो डिमांड कर रहे हैं, तो हमको हम यही वार्न करना चाहते हैं उन गाड़ियों को कि आप प्लीज़, हम आपको अभी हमारा यहाँ पे गाड़ी पूरा नहीं हो पा रहा है तो इसलिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं यहाँ चलने के लिए, तो आप रेट के ऊपर मत जाइए, रेट आप पूरा प्रॉपर रेट लेंगे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज कोई गाड़ी प्रोवाइड करेंगी, इसका मतलब क्या कोई नॉन रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज है यहाँ जो जी 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 टेम्पो? जी 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 हमारे अभी ट्रैवल एजेंट्स लोगों का भी हमारे पास एक लेटर आया हुआ है जिसमें ये लिखा गया है कि हम रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स लोगों को गाड़ी नहीं मिल रहा है और जो नॉन रजिस्टर्ड लोग, वो उनके पास लिस्ट होंगे जो नॉन रजिस्टर्ड जो भी एजेंट्स यहाँ पे गाड़ी चला रहा है वो उनके पास लिस्ट है, चाहे तो आप उनसे भी ले सकते हैं, लेकिन यही है कि हम यही कंप्लेन आने के बाद यही हम बोल रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप रजिस्टर्ड कीजिए, नहीं तो हम 10th ऑफ जून के बाद कोई भी हम गाड़ी प्रोवाइड नहीं करेंगे।